Hi everyone, welcome to Abhimanu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. Abhimanu IAS is a platform which prepares you for your PCS and UPSC journey. It has more than 23 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. सीरीज के अंदर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की एंड टू द पॉइंट के अंदर जिसकी अभी वीडियो देख रहे हो अभी इसके अंदर हम प्रीलिम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को उठाते हैं सिर्फ. देयर इज अ कोर्स व्हिच इज गोइंग ऑन करंट अफेयर्स कोर्स फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. तो दोनों चीजें उसमें कवर हो जाती हैं इन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर्मेट एंड यू ऑल्सो गेट अ 7 days फ्री ट्रायल. लिंक इज डाउन देयर, यू कैन चेक इट आउट. मूविंग फॉरवर्ड, मिशन लाइफ. सी, इन्वायरमेंट को लेके बहुत सी पॉलिसीज बन रही हैं. द वर्ल्ड इज अवेकनिंग स्लोली बट वर्ल्ड इज अवेकनिंग कि यार इन्वायरमेंट के अंदर हम रहते हैं एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट वेयर वी लिव. तो मिशन लाइफ एक ऐसा ही कुछ है जिसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन की एनकरेजमेंट होने वाली है और कुछ इसके फेजेस हैं, 3 फेजेस में होगा ये. पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे होगी इसके अंदर वो भी हम देखते हैं. एंड एक चीज यहाँ पे जो समझने वाली है कि यार भी आप एस्पेरेंट्स हैं, है ना, वी ऑल आर अवेयर कि इन्वायरमेंट को क्या खतरा है. स्टिल आपके और मेरे लाइफस्टाइल के अंदर उतना चेंज नहीं आता है डिस्पाइट बीइंग अवेयर कि प्लास्टिक स्ट्रॉज का नुकसान है, सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, ये नहीं यूज करना. बट ड्यू टू लैक ऑफ ऑप्शंस और एनी अदर फैक्टर वी आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट दैट मच कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें. तो ये पर्टिकुलर मिशन लाइफ जो है ये उस चीज को एड्रेस करता है. तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, मिशन लाइफ विच स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ. ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये आया पहले था. इंट्रोड्यूस कब हुआ है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन सीओपी 26 ग्लासगो 2021 में हुआ था ये और 5 जून को इंडिया में लॉन्च हुआ है. ये क्या कर रहा है? एड्रेस करता है एनवायरनमेंट क्राइसिस को किस तरीके से, वो भी मैंने आपको बताया भी है और हम थोड़ा सा देख भी लेंगे कि एग्जैक्टली कौन से फेजेस में क्या होने वाला है. ऑब्जेक्टिव इज टू मोबिलाइज एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस. देखिए यहाँ पे एक नंबर इंडिकेट हुआ है, 1 बिलियन इंडियंस एंड अदर ग्लोबल सिटीजन्स. तो इस टाइप की चीजें जो है वो प्रीलिम के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि सीधा नंबर पूछ लिया, मतलब डायरेक्टली नहीं, किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में जो है आपको वहां पे नंबर देखने को मिल जाता है. एंड अदर ग्लोबल सिटीजन्स टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग एनवायरमेंट इन द पीरियड ऑफ 2022 से लेके 2027 2022 to 2027. अब ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी भी टाइमलाइन उन्होंने दे रखी है कि 2022 के बीच में. और करना क्या? लाइफस्टाइल को चेंज करना है. कैसे करना है वो देखते हैं. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज अगेन एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, MOEFCC, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और ये क्या करेंगे? 3-pronged स्ट्रेटेजी, 3-legged स्ट्रेटेजी इसके लिए यूज करेंगे जिसके अंदर कुछ डिफरेंट अप्रोच होगी सस्टेनेबिलिटी तक पहुंचने के लिए. नंबर 1 इज फेज 1 इज चेंज इन डिमांड. इसमें बेसिकली आप और मैं टारगेट हो रहे हैं कि इफ वील स्टार्ट डिमांडिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड स्टॉप यूजिंग नॉन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री विल बी नज्ड टुवर्ड्स कि यार ये प्रोड्यूस करना है. बिकॉज इंडस्ट्री का जो मोटिव है, प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव है, दैट इज प्रॉफिट. उनकी जो वैल्यूज निकलती हैं वो प्रॉफिट बेस्ड वैल्यूज हैं उनकी सारी. एंड उस केस में दिस इज द राइट वे जिसको इस तरीके से यहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है कि अगर वी पीपल स्टार्ट डिमांडिंग, द जनरल पब्लिक इट स्टार्ट्स डिमांडिंग, तो ऑटोमेटिकली चेंज विल बी देयर. nudging individuals across the world to practice simple yet effective environment friendly actions in their daily lives. ठीक है, थोड़ा सा lifestyle change. दूसरा, changes in supply, changes in large scale individual demand are expected. क्यों होगा? क्योंकि आपका lifestyle change हो गया तो आपके demand में change आएगा, जो मैं पहले बात कर रहा था. phase 2 में ये है, are expected to gradually nudge industries and markets to respond and tailor supply and procurement as per revised demands. ठीक है, अब हम पहले नंबर पे हमने डिमांड को स्टिमुलेट किया, दूसरे नंबर पे सप्लाई को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे चेंज इन पॉलिसी टू ट्रिगर शिफ्ट्स इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की अब बड़े लेवल पे पॉलिसीज भी उसके अकॉर्डिंग बने. सो दिस इज द गेम प्लान इसके अंदर. इट विल एक्शन द आइडियाज एंड आइडियल्स ऑफ लाइफ थ्रू अ मिशन मोड साइंटिफिक एंड मेजरेबल प्रोग्राम. राइट, इंपॉर्टेंट लाइन. इट विल डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कमिटमेंट टू वॉक द टॉक ऑन क्लाइमेट चेंज. है ना, वर्ल्ड लीडर बनना है और क्लाइमेट चेंज इस समय गर्म है मुद्दा, तो यहाँ पे हमें कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा. और ये मिशन है भी बहुत अच्छा इस मामले में क्योंकि बहुत लॉजिकल फ्लो है इसके अंदर. जनरल पब्लिक की डिमांड, उसके बाद में सप्लाई और उसके बाद में बड़ी इंडस्ट्रीज को चेंज करने पे मजबूर करना. In India, about 80% of all villages and urban local bodies aim to become environment friendly by 2028. ये इंडिया का टारगेट है कि एटलीस्ट 80% by 2028 की इको फ्रेंडली जो है वो हो जाए. ठीक है, ये थोड़े से फैक्ट्स हैं कि क्यों हम इसको कर रहे हैं. एनुअल पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट कंट्री का इस समय 1.5 टन है, वर्ल्ड का इस समय 4 टन है. पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट पर ईयर इंडिया में 1.5 टन, इंडिया का कम है कंपेरेटिवली, काफी कम है इनफैक्ट. India is the 4th largest capacity for renewable energy in the world, ranked 4th in wind energy, 5th in solar energy. तो हम we are doing our bit, है ना. But again क्योंकि population ज़्यादा है और India जो है वो world leader बनना भी चाहता है, तो we need to outshine. और सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि environment अपना ही है और हम ही ने रहना है इसमें, right? India's renewable capacity has increased by about 290%, लगभग 3 गुना हो गई है in last 7-8 years. है ना, ये मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे भी है डाटा, एज इट इज वहीं से लिया गया है और एज इट इज कोट किया जा सकता है. इंडिया हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ 40% ऑफ द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज. हमने एक और वीडियो के ऊपर पहले जिससे वीडियो आई है उसमें इसके ऊपर चर्चा भी करी थी कि इंडिया का टारगेट जो है वो समय से पहले अचीव हो गया. अब इंडिया ने टारगेट चेंज कर दिए हैं, तो वो सब भी है जो आप अपडेटेड अपने पास जरूर रखना. ठीक है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है? यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. आई विल स्ट्रेट अवे टेल यू द आंसर्स. यहाँ पे विल नॉट बी एबल टू रीड द होल क्वेश्चन फॉर यू नाउ. द आंसर इज ए एंड बी बोथ. ऐसे क्वेश्चंस में यू कैन पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट इट, है ना. आपको पता लगेगा कि क्या पूछा जा रहा है. हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये एज इट इज मैंने जानबूझ के इसको सिंपल बनाया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप के मिशंस के ऊपर, इस टाइप के प्रोग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जा सकता है. और यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है यहाँ पे कि कौन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी पूछ रखी है यहाँ पे और बताया कि इसका एम क्या है. और यहाँ पे उसने एज इट इज ये 1 बिलियन वाली जो चीज है वो मेंशन कर दी है. तो सम ऑफ दी वर्ड, क्योंकि लंबी स्टेटमेंट है, इट मे कंफ्यूज यू, है ना. तो हमने बहुत गौर से देखने की यार क्या लिखा है. इसमें टाइम पीरियड भी डाला हुआ है, तो यहाँ भी चेंज हो सकता है, यहाँ भी चेंज हो सकता है. तो जस्ट टू मेक योर लाइफ हार्ड, है ना. तो यूपीएससी का थोड़ा काम भी ऐसा ही है, जस्ट टू मेक योर लाइफ हार्ड. तो ऐसा हो सकता है. फॉर दिस द आंसर इज बोथ ए एंड बी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यू IAS.